हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी बहुत जोरों की भूख लगी है आज फिर से, और कुछ जल्दी बन जाए ऐसा कुछ बनाना है, तो आज कुछ नया बनाता हूँ। तो चलो चलते हैं किचन के अंदर, और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि आज हम क्या पकाने वाले। तो दोस्तों, अभी हम बना रहे हैं ये खमन, इंस्टेंट खमन। क्या इस पैकेट के पीछे सारा दिया है कैसे बनाना, तो उस हिसाब से हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। दो अलग अलग मिक्सचर तैयार करने होते हैं, एक ये वाला और एक ये ऐसे छोटा वाला। बन गया, और अब उसको हम स्टीम करेंगे इस स्टीमर के अंदर, जिसके अंदर अभी पानी बॉयल हो रहा है। ये 5 मिनट इसको हो चुके हैं, और इसके अंदर हमको ये मिक्सचर डाल के उसको फटाफट मिक्स करना है। ये गया सारा इसके अंदर, और अब हम इसको मिला लेते हैं सही तरीके से। जैसे इसको मिक्स करना स्टार्ट किया, देखो इसके अंदर बबल्स बनने लगे और हमारा मिक्सचर काफी फ्लफी हो चुका है। ये जितना फ्लफी होगा उतने हमारे खमन बढ़िया बनेंगे। तब ये हो चुका है, अब हम इसको डालेंगे स्टीमर के अंदर और 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। सारा का सारा मिक्सचर जाएगा इस बर्तन के अंदर, और फिर इसको हम 20 मिनट तक स्टीम करेंगे, और हमारे खमन हो जाएंगे। तब हम इसको ढक देंगे इसके ऊपर और करेंगे स्टीम बॉयल। ये देखिए पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब ये जाएगा ढक कर। तो इस तरीके से कंप्लीट पैक हो गया। अब मिलता है 20 मिनट के बाद। तो अभी हम रख देते हैं टाइमर, ताकि कुछ हम भूल ना जाए कुछ और काम करने। तो ये हमने कर दिया है 20 मिनट का टाइमर सेट। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट्स लेटर। हेलो दोस्तों, चलो तो देखते हैं अब कितना टाइम बचा है। बस अब 1 मिनट की देर है, 1 मिनट के बाद हम स्टीमर का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि हमारे खमन कैसे बने। तो दोस्तों, बस कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम ढक्कन हटा के देख लेंगे कैसा पका है। और ये हमारा टाइमर हो चुका है स्टार्ट। तो चलो चलते हैं किचन के अंदर और देखते हैं कि क्या बना है। हेलो दोस्तों, तो चलो करते हैं गैस को बंद और इसको हटा के चेक करते हैं कि बन चुके हैं या नहीं। बिल्कुल जैसे चाहिए वैसे ही बने। बनाया था इंस्टेंट पैकेट, ये रेसिपी पढ़ के आई होप कि अच्छा ही बना। अभी इसको काट के चख के देखेंगे। भूख लगी है क्या? मस्त खमन रेडी है। ये देखिए पिछले 1.5 घंटे से नीचे खेल रहा था, पूरा भीग के आया पूरा। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है। और अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल, इसको काटेंगे। ये क्या हो गया गाइस, देखिए बहुत सारा पानी डाला था, सब का सब पानी इसने पी लिया, सारा पानी ये पी चुका है। जितना भी पानी डालो इसको बहुत प्यास लगती है, जितना भी पानी डालो पी जाता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इतना ही डालना जितना इसके अंदर लिखा है मेजरमेंट के हिसाब से। चलो तो अब इसको काटते हैं।
तो गाइस देखिए कैसा बना, बिल्कुल सॉफ्ट। तो दोस्तों ये देखिए, तड़के की तैयारी मैंने कर ली है, अब हम लगाएंगे तड़का इसके ऊपर। डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा डालते हैं। तेल हो चुका है गरम, अब हम इसके अंदर डालेंगे राई। और अब हम डालेंगे उसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा संभल के, थोड़ा संभल के डालिए, फिर पहली बार बना रहे हैं मेरी तरह से। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। बस अब इसके अंदर एक बार उबाल आएगा, फिर ये कढ़ाई को उठा के हम इसके ऊपर हर जगह पे डाल देंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आ चुका है उबाल, अभी हम गैस को करेंगे बंद और तड़का मारेंगे खमन पे। और अभी इसके ऊपर हम डालेंगे ये कटा हुआ धनिया। वाओ क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मस्त। देखिए कैसा बना, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इतने लाजवाब बने थे ना, सब खत्म, सारे के सारे खा गया। आप जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपसे कैसे बने और आपने बनाए वो आपको कैसे लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारी चैनल समीर मलिक व्लॉग को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।